दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं Xiaomi 11T Pro को आप लोग कैसे फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट फोन को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये अपना Xiaomi मतलब MI कंपनी का Xiaomi 11T Pro 5G मोबाइल फोन है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से उसको आप फॉर्मेट फैक्ट्री डाटा रीसेट कर पाएंगे। तो पहले देखिए, मैं आपको सेटिंग में जाता हूँ, दिखा देता हूँ। सेटिंग में आने के बाद आप देख पाएंगे अबाउट फोन पे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं डिवाइस नेम Xiaomi 11T Pro, ठीक है, 1256 मोबाइल है, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए करना क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका जो मोबाइल होता है, देखिए पूरा बंद कर देते हैं उसको अपन। ये देखिए आपके जो मोबाइल की सेटिंग होती है, देखिए सेटिंग है, देखिए सिंपल आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ये सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे पहले नंबर पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा है अबाउट फोन। सिंपल आपको अबाउट फोन पे क्लिक करना है। जैसे आप अबाउट फोन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फैक्ट्री रीसेट, ये देखिए इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये बता रहा है भैया कि आपका जो भी डाटा है इम्पोर्टेंट, उसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। देख सकते हो लिखा हुआ है, आप स्पेस लिखा हुआ है, देखिए गौर से, देखिए ये लिखा है, लिखा है। अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट है, आपके इमेज है, फोटो है, वीडियो है, तो उसको आप पहले अपना डाटा केबल के माध्यम से कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मेट कीजिए, क्योंकि फॉर्मेट होने के बाद आपका सारा डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जब आपको ये कंफर्म, आप अगर कॉफी कर लिए हो और कॉफी नहीं भी करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपन बात कर रहे हैं फैक्ट्री डाटा रिसेट की। आप ध्यान दीजिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप, और से देखिए दिख रहा होगा आपके लिए, और से देखिए। तो यहाँ आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपके अगर मोबाइल में कोई पासवर्ड डला होगा तो पहले आपको पासवर्ड खोलना होगा, ठीक है। अगर पासवर्ड नहीं होगा तो राइट यहाँ से हो जाएगा। तो मैंने पासवर्ड डाल के रखा हुआ है, चलिए मैंने पासवर्ड डाल दिया है। और पासवर्ड डालने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो भी आपका स्क्रीन लॉक का पासवर्ड होता है वही डालना होता है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकअप आइटम फर्स्ट, तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल की जो एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड है, गेम जो भी है, उनका बैकअप भी ले सकते हैं, या अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप पे क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा आएगा अट्रैक्शन, तो यहाँ पे आपको 10 सेकंड वेट करना होगा और यहाँ पे टाइमिंग चलेगी, उस पर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 0 हो चुका है, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग दे रहा है, इनको पढ़ लीजिएगा भाई। आपने जो ड्राइव है आपका, मतलब जो आपका डिवाइस है, उसका बैकअप ले लीजिए बोल रहा है, क्योंकि एक बार रीसेट होने के बाद, फॉर्मेट होने के बाद ये भाग पीस नहीं आएगा, तो ये बार बार बता रहा है आपको। अगर आप करना चाहें तो पहले कर लीजिएगा, ठीक है, फिर सर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा टाइमिंग होने के बाद। तो आप देख पाएंगे अब यहाँ से आपका जो फोन है, यहाँ से आप देखिए रिस्टार्ट होना चालू हो चुका है। तो यहाँ आपको 10 सेकंड वेट करना होगा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे चल रहा है अभी, देखिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा आ चुका है MI, ठीक है, और नीचे लिखा है एंड्रॉइड पावर्ड बाय एंड्रॉइड। तो यहाँ अपन 10 सेकंड वेट करेंगे, यहाँ देखिए चल रहा है अभी। तो अभी ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेट करने से ये फायदा होता है, ऐसे मान लीजिए कुछ टेम फाइल या करप्टेड फाइलें जो होती हैं मोबाइल में आती हैं, वायरस वगैरह, तो वो सारे हट जाते हैं। तो बेसिकली इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन मैं आपको पूरा इसमें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और ये रोशनी है मोबाइल की, इसलिए सही से कैमरे में आ नहीं रही है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे MI लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे आप देख पाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ लोडिंग चल रही, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो है लगभग लगभग आपके लगभग 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। और इस बीच में आपको बताना चाहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप जब भी फॉर्मेट फैक्ट्री डाटा रीसेट करें तो आपका जो मोबाइल है लगभग 50% तो चार्ज होना ही चाहिए। अगर 50% चार्ज नहीं हो, उससे कम चार्जेस मान लीजिए 10 से 20% या 5% है, और उस कंडीशन में आप इस प्रोसेस को करते हैं और कहीं बीच में ये मान लीजिए आपकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो फिर जो आपका फोन है उसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर आपको दुकान से सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ेगा। ये उस कंडीशन में बता रहा हूँ अगर आपकी मोबाइल की बैटरी कम है। अगर बैटरी सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है जो कि मोबाइल की बैटरी है वो आपकी लगभग लगभग 50% चार्ज होना चाहिए,
तो आप देख पाएंगे अभी ये पूरी चली रही है प्रोसेसिंग। यहाँ आपको वेट करना होता है, तो अपन वेट ही कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये देखिए लोडिंग चल रही है, ठीक है, तो अपन थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है जस्ट ए सेकेंड, तो यहाँ आप देख पाएंगे म्यू लिखा आ चुका है, MIUI 10.5 इस वर्जन डाला हुआ है। तो यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको एक एरो देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा चॉइस योर लैंग्वेज। अब जिस भी लैंग्वेज में आप अपने फोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इस पे कर देता हूँ इंग्लिश पे, और अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फिर आपको राइट पे क्लिक कर देना है, तीर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको अपनी जो भी कंट्री है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो इसमें ऑलरेडी इंडिया सिलेक्टेड है, अगर अदर कंट्री से है तो सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसका सिंपल आपको यहाँ पे ये तीर दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। तीर पे क्लिक करेंगे यहाँ लिखाएगा सेटिंग्स, और यहाँ कुछ सेकंड वेट कीजिएगा। तो यहाँ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको पूरा पढ़ना यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सिंपल आपको यहाँ पे इस पे टिक करके बिंदी पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे आपको ये राइट दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपसे मोबाइल में जितनी सिम है उससे पूछ रहा है कि आप डाटा किससे इस्तेमाल करना चाहते हैं और कॉल किससे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जो पहली वाली सिम है, अगर उसको आप कॉल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कॉल पे कर दीजिएगा, और डाटा के लिए कौन सी सिम इस्तेमाल करना चाह सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो हर बार फोन लगाने से पहले पूछेगा सिम 1 से लगाना है 2 से लगाना है, तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका सिंपल आपको यहाँ पे ये तीर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना होता है। चलिए क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके इसको पूरा आईडी वाईडी बना के सेटअप भी कर सकते हैं, या इसको सिंपल स्टेप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपन किसी भी वाईफाई या इंटरनेट के माध्यम से अपने फोन को कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा वाईफाई आ रहा है, मैंने क्लिक करा इस पे, और सिंपल वाईफाई का पासवर्ड डाल देते हैं अपन। यहाँ पे जो भी पासवर्ड होगा आपके वाईफाई का वो डाल दीजिएगा, ये मैं डाल रहा हूँ मेरा वाईफाई का पासवर्ड। उसे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, अब ये देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे, और यहाँ आप देख पाएंगे थोड़ा सा वेट करिएगा, ये कम्प्लीटली समथिंग 1 से 1.5 मिनट लगाता है यहाँ पे कम्प्लीट स्टार्ट होने में, और ये नेट से कनेक्ट करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो या तो चाहे सिम के नेटवर्क से भी, आप अगर सिम डली हुई है मोबाइल में सिम में नेट बैलेंस है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने वाईफाई से भी किसी भी वाईफाई से कनेक्ट करके इसको पूरा स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अपन 10 सेकंड वेट कर रहे हैं अभी, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से चालू हो चुका है, और ये पूछ रहा है कॉफी ऐप एंड डाटा, अगर आप चाहें तो इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, तो सिंपल डोंट कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। ये उस कंडीशन में इसे मान लीजिए अगर आपने अपने फोन में पहले से कोई बैकअप लेकर रखा है आपके कॉन्टेक्ट वगैरह का या इमेज वगैरह का फॉर्मेट करने से पहले, तो आप बैकअप पे क्लिक कर सकते हैं। ये सिंपल डोंट कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जस्ट ए सेकंड का एक इन्फॉर्मेशन आती है, और यहाँ पे चेकिंग और इन्फो के नाम से फिर ऐसा खुल जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग चल रही है अभी, और यहाँ पे समथिंग समथिंग 30 सेकंड लगभग लग जाते हैं इस प्रोसेसिंग में चल रही है यहाँ पे जो। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे वीडियो कहीं पर भी काटा नहीं है, ना ही कोई एडिटिंग की है, डायरेक्ट जो प्रोसेस है आपको बता रहा हूँ। तो आप देख पाएंगे यहाँ आपकी ईमेल आईडी पूछ रहा है, अगर आप चाहें तो जो आपकी ईमेल आईडी बढ़ा सकते हैं, या सिंपल स्टेप का वहां से स्किप कर सकते हैं। तो मैंने स्किप कर दिया है, और यहाँ पे भी स्किप पे कर देंगे अपन क्लिक, ठीक है। अब गूगल सर्विस का ऐसा ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं पूरा पढ़ना चाहें तो। उसके बाद सिंपल आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको 10 सेकंड वेट करना होगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, अगर आप चाहें तो अपने फोन में लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक, जो भी आप करना चाहें फेस लॉक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपके सामने ऐसा ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इसको आप जैसे अपने चाहें तो जैसे आप अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, सिंपल इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपसे जो पूछेगा कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्लासिकल एंड ऐप ड्रॉ, तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। तो अपन जो क्लासिकल होता है तो उसमें क्या होता है, नीचे की साइड में आपको बटन देखने को मिलते हैं इस टाइप के, और अगर आप इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको यूज करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्लासिक पे क्लिक कर दीजिएगा, और क्लासिक पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसका सिंपल आप देख पाएंगे सेटअप कंप्लीटेड लिखा चुका है, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है,
और देख सकते हैं लोडिंग एप्स लिखा आ रहा है। तो कोई पूरी प्रोसेस है, लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ आपको समथिंग 20 सेकंड वेट करना होगा, आपको जो मोबाइल है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका होगा। ठीक है, हम वेट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, अब फिर आपको इस पर क्लिक कर, कुछ मत करिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा पूरा। ये देखिए, ये आपका कम्प्लीटली जो फोन है वो आपका पूरी तरीके से फॉर्मेट हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये देखिए इस तरीके से, तो आप लोग अपने Redmi 11T Pro, सॉरी कि MI 11T Pro, Xiaomi 11T Pro को फॉर्मेट फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।